हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल गुड केयर ऑफ योर हेल्थ बिकॉज हेल्थ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट करेक्ट सो आज का जो टॉपिक है गाइज वो इस तरह से है कि आपकी जिंदगी में अवश्य क्या होने वाला है कुछ ही समय के अंदर सो ऑफकोर्स इट टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल एंड इट इज जनरल प्रोडिक्शन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू सो मच फॉर बींग विथ मी यहाँ पे जो स्केच मैंने यहाँ पे ड्रा किया है वो है फॉक्स फॉक्स बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशंस को इजीली मैनेज कर लेते हैं बिकॉज दे आर वेरी मच इंटेलिजेंट इन नेचर ठीक है और कहीं कही ना कहीं पे फॉक्स का स्प्रेड यही कहते हैं चाहे कितने भी कठिनाई हो जाए सल्यूशन उसी के बीच में होता है सिर्फ हमें ढूंढना पड़ता है सो दे अलर्ट सो इसलिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है चाहे आपकी जिंदगी में कितनी भी मुश्किल हालात अभी क्यों ना हो आने वाले समय में आप इसका हल निकाल लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते रीडिंग को एंडफिनेटली दिस विल बी टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल एक साइंस एंड इट इज अल प्रोडिक्शन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू सो मच फॉर बी विद बी यूनिवर्स विद गाइड्स प्लीज गाइड करे की मेरे जो व्यूअर्स है उनके जिंदगी में कोर्स क्या आने वाला है क्या आ सकता है विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आपको कुछ समय के बाद बहुत ज़्यादा क्लियर इंडिकेशंस हो जाएगा कि कौन आपके आपका साथ जो है वो देने वाले हैं आगे तक और कौन आपका साथ नहीं देंगे कौन बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं पर मैनिपुलेटिव बिहेवियर जो है वो शो कर देगा आपके सामने यहाँ पे देखो आप उन लोगों से वॉक अवे कर लोगे मतलब आप उन लोगों के सामने और नहीं रहेंगे आप मूव ऑन हो जाएंगे क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि वो लोग बहुत ज़्यादा छल कपटता के साथ है और वो आपका साथ नहीं देंगे इन दैट केस यू विल आइडेंटिफाई हु विल बी फॉर यू एंड हु विल भी अगेंस्ट यू इससे क्या होगा बेनिफिट आप होशियार रहेंगे आप अलर्ट रहेंगे और आने वाले समय में भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपकी इंट्यूशन जो है इतना ज़्यादा शार्प होगा कि, कि यू विल जब वो कुछ बात कहेंगे ठीक है तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली कि वो एक्चुअली कहना क्या चाह रहे हैं यू कैन रीड द दैट पर्सनस माइंड इट इज़ ऑल्सो लाइक दैट ओके यहाँ पे मुझे इस तरह से भी दिख रहा है सम लाइक यू नो व्हाट कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है बहुत ही पावरफुल ठीक है पावरफुल इन्फ्लुएंस ठीक है आपको हो सकता है कि आपका काम जो है बिगड़ता हुआ काम को भी ठीक है वो एक फेवरेबल कंडीशन में लेके जाएगा यहाँ पे देखो एक मशरूम या समथिंग या पाइन नट्स उस तरह से मुझे दिख रहा है लाइक like जिस तरह से फल उसके बाद बीज उसके बाद एक पेड़ फिर फल ठीक है फिर फूल फिर फल एक साइकिल जो है वो कंटीन्यूसली आपके लाइफ में जो चलता आ रहा है ठीक है और वो साइकिल बहुत ही ज़्यादा ठीक है कंटिन्यूसली आपके लाइफ में इसी तरह से आता हुआ रहेगा ठीक है एंड यू डोंट नीड टू टेक टेंशन अबाउट इट आपको उसके बारे में सोचना ही नहीं क्योंकि आपका जो कर्म का जो एक्चुअल फल है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा यूर यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट द रिवर्ड्स ऑफ योर कर्म यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके जो है ना आ, हार्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे रियल ऑर्गैन दिखाई दे रहा है हार्ट मेनी ऑफ यू कैन प्लान टू स्टडी रिलेटेड टू हार्ट डिजीज़ और समथिंग लाइक दैट हो सकता है कि यू बिकम लाइक कार्डियोलॉजिस्ट इन द फ्यूचर या आप हार्ट के बारे में जानकारी ज़्यादा रखें ठीक है मे बी यू डू रिसर्च ऑन द थिंग्स उस तरह से मुझे दिख रहा है या आपके पैशन जो है जिस जॉब को लेकर है या जिस फील्ड को लेकर है जिस टेक्नोलॉजी को आप चाहते हैं आप उसको आगे कुछ डेवलपमेंट्स चाहते हैं वो आप जो आपके अपने दिल में भी तो बहुत सारी बातें होती है राइट वो सारे चीज जो है आप देखेंगे वो मैनिफेस्ट होता हुआ बिकॉज यू विल वर्क इन द राइट डरेक्शन यू विल नॉट वर्क इन द रोंग डेक्शन कुछ मुसीबत से जो पाला आपका पड़ रहा था वो छूट जाएगा टाटा बाय बाय गुड बाय हो जाएगा यहाँ पे किसी वुमेन यहाँ पे इन्वॉल्व है मे बी दिस वुमेन इज़ वेरी गुड एंड वेरी हेल्पफुल एंड वेरी काइंड जो आपको हेल्प करेंगे या ये कोई ये विल बी हो सकती है बट ज़्यादा से ज़्यादा मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है दैट दिस पर्सन इज रियली हैविंग वेरी गुड नेचर ओके यहाँ पे मुझे फिर से एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गैन दिख रहा है दैट इज अमेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गैन कॉल यूट्रस सो आई डो थिंक सो दैट कुछ लोगों के लिए अगर आपके अगर आप फीमेल है अगर आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गेंस लेके या कहीं कही ना कहीं पे यू सम समकम्फर्ट यू फील एनकम्फर्टेबल टू टॉक इन पब्लिक और इन फ्रंट ऑफ अ डॉक्टर खुद सत्या कि आप गायनोलॉजिस्ट के पास जाए या आप गायनोलॉजी लेके स्टडी करें कुछ इस तरह से या आप इसके बारे में और भी एनालाइज करें एंड मे इफ यूर अ वोमन सो बेसिकली यू विल ऑल्सो प्रोमोट यू विल ऑल्सो जस्ट डू कैंपेनिंग कि लोगों को इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे मे बी यू ऑर्गेनाइज अ मास कैम्पेन ऑन वुमेन प्रोटेक्शन और समथिंग लाइक दैट कुछ इस तरह से है रिगार्डिंग वुमेन और समथिंग वुमेन एम्पावरमेंट भी हो सकता है जैसे फॉर एग्जाम्पल हाउ मदर्स ऑल्सो कैन टेक केयर ऑफ दर बेबीज एंड ऑल्सो कैन वर्क घर में भी वह कैसे काम कर सकता है और बाहर कैसे भी मैनेज कर सकते हैं वो सारे जो है उसके बारे में आप लोगों को और जानकारी देंगे वो सब कुछ चीज़ मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है एंड मे बी लाइक यू यू आर गोइंग टू गेट लॉट ऑफ अगर आप मेल है तो वुमेन की तरफ से आपके पास बहुत सारे फॉलोअर्स एडमायरस वो भी हो सकता है फॉर एन इन्फ्लुएंसर यू कैन गेट मोर अटेंशन फ्रॉम द ऑपोजिट जेंडर ये भी दिख रहा है ओके okay. मे बी आप एक डिज़ाइनर है तो हो सकता है कि आप भले मेल हो या फीमेल हो मे बी यू मेक यू आर गोइंग टू मेक सर्टन आउटफिट्स ऑफ वुमेन इन द फ्यूचर सो उसके बारे में जो भी वुमेन एक्सेसरीज है उसको लेके आप स्टडी करेंगे ओके okay, उस तरह से फैशन डिजाइनिंग उस तरह से हो सकता है कि कोर्स में आप इनरोल होंगे ऑल राइट यू आर गोइंग टू टॉक थ्रू द माइक यहाँ पर माइक दिखाई दे रहा है मे बी यू आर गोइंग टू सिंग और something लाइक like दैट आने वाले समय में मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक स्टेडी डेवलपमेंट हो रहा है आपके करियर में और आप गलत जो लोग हैं वो आपका कुछ भी ऐसा बिगाड़ नहीं पाएंगे क्योंकि आप गलत राह पे चलेंगे ही नहीं आपका हैबिट्स जो पहले था वो डेफिनेटली वो एलिमिनेट हो जाएगा वो निकल जाएगा यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है इट्स लाइक अ कोल ड्रॉन जहाँ पे कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज होते हो सकता है कुछ कुछ पोशन पी ओ टी आई सम पोशन और सम लिक्विड यू विल मेक इट फॉर योर सेल्फ आप ख़ुद ही मैनिफेस्ट करेंगे उस चीज़ को लेकर या आप सीखेंगे खुद को खुद जानेंगे कैसे यूज़ किया जाता है यू है डेवलप मोर इंटरेस्ट यहाँ पे मुझे एक लाइन की भी यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है लाइनस लाइक लाइन आर वेरी मच प्रोटेक्टिव ऑफ देयर किड्स बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं वो और बेसिकल अगर आप मेल लाइन का बात करें तो आपने Feminine, is, वो अपने डिवाइन फेमिनिन दैट इज वो अपने लाइनेस के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं तो आपके पर्सन जो है जो भी आपको मिलेंगे ना वो ऐसा नहीं करेंगे वो हेजिटेट नहीं करेंगे शो करने के लिए कि आप उनके बेटर हाफ हो या आप उनके पार्टनर हो नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स कार्ड से हमें और भी पता चलेगा सो लेट्स सी यूनिवर्स गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जिंदगी में आने वाले समय में ऐसा क्या जरूर होने वाला है यूनिवर्स गाइड्स प्लीज गाइड करें वट इज डेफिनेटली गोइंग टू कम इन द फ्यूचर यूनिवर्स गाइड्स प्लीज गाइड करें वट इज डेफिनेटली गोइंग टू कम इन द फ्यूचर देखा द फूड ऑफ्स द डिवाइन फेमिनिन एवरी थिंग इज गोइंग टू गेट बैलेंस ठीक है वुमेन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है देखो बैकग्राउंड पे ऐसे ही मैंने नहीं कहा था यहाँ पे आपके लाइफ में स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं पे कोऑपरेशन कहाँ पे फ्रेंडशिप हारमनी यू कैन से दैट ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स आपके साथ ज्वाइन करने वाले हैं ओके एंड डेफिनेटली यू कैन से दैट टेम्परस यहाँ पे बैलेंस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है जो आप अपने ज़िंदगी में मे भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे कुछ इश्यूज को जस्ट एज एंगर इश्यूज आपका ज़्यादा था या इरिटेट आप बहुत ज़्यादा हो जाते थे गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाता था इमोशंस बहुत ज़्यादा थे लॉजिकली नहीं सोच पाते थे उसी तरह से मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ दोनों के साथ आप एडजस्ट कर लेंगे एस ऑफ कम्स विद ऑफर ऑफ न्यू रिलेशनशिप फ्री फ्लोइंग लाइक like, जहाँ पे आपकी जो आज़ादी है वो बिल्कुल नहीं छीनेंगे कोई आपको कहीं कही ना कहीं पे फ्रीडम में मिलेगा अपने अपने बात जो है वो रखने का भी प्यार करने का जो आपका हक है वो आप करेंगे न्यू रिलेशनशिप कैन कम डाउन टू यू एंड विद द एस ऑफ स्वर्ड्स एस ऑफ कप्स एस ऑफ स्वर्ड्स आप पूरी तरह से सच्चाई के साथ ईमानदारी के साथ स्ट्रेट फॉरवर्डली ही बातें करेंगे और आपके जो मतलब स्किल है ठीक है वो देखकर तो सामने वाला बंदा या बंदी जो भी होंगे वो तो इम्प्रेस होंगे ड्यू योर शार्प कम्युनिकेशन थ्रू सॉन्ग्स इट में भी थ्रू रिटन वर्ड्स इट में भी थ्रू लैंग्वेज इट कैन भी थ्रू योर वॉइस इट कैन भी देखो टेन ऑफ पेंटिकल्स परिवार में जो सुख जो था वो कहीं कही ना कहीं पे एबसेंट था या रोजगार ज़्यादा हो नहीं रहा था या फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज आपको मिल नहीं रहे थे You are going to have that. The moon आर and and the bottom of the deck we do have the lovers card. So basically आपको पता चल जाएगा secretive relationship हो जाता है कि आपका है या किसी का है ठीक है उसके बारे में या कोई ऐसे रहस्य के बारे में आपको पता चलेगा कोई डीलिंग्स के बारे में कोई सीक्रेट डील कोई सीक्रेट निगोशिएशन ठीक है जिसके बारे में आपको वाकिफ होना पड़ेगा ताकि आप अलर्ट भी हो जाओ सो दिस इज़ ऑल अबाउट टू डेज रीडिंग आई आई होप यू लाइक इट एंड इफ यू लाइक प्लीज़ टू शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू सो मच फॉर बींग विद मी लव यो लॉट टेक केयर ऑफ यूर सेल्फ एंड